In this video, I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection updates of Bollywood film Chhichhore. Dosto movie Chhichhore, jo release hui thi 6 September 2019 ko, ye ek Bollywood comedy drama film hai jisko 5 mein se 3.5 star ki rating di gayi thi. Film ke director aur writer hai Nitesh Tiwari, iske producer hai Sajit Nadiawala. Ab baat karte cast ki, to film ke andar cast mein nazar aaye the Sushant Singh Raj पुत, श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा, प्रतीक बब्बर, ताहिर राज बसीन, नवीन पॉलिशेटी और सानंद वर्मा, ये सारे इसके अंदर लीड और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे. लेकिन इनके अलावा भी फिल्म के अंदर काफी सारे कास्ट सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी. बता दें कि फिल्म के जो डायरेक्टर है नितेश तिवारी वही है जिन्होंने आमिर खान की फिल्म दंगल को डायरेक्ट किया था, और दंगल के बाद उन्होंने सीधा डायरेक्ट किया है इस फिल्म को जिसका नाम है छिछोरे. यानी कि दंगल के 3 साल बाद किसी फिल्म को डायरेक्ट किया है फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने. चलिए अब आपको बता दें कि फिल्म जो है छिछोरे, ये फिल्म जो है ये एक पूरी तरह से फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है. यानी कि फिल्म पूरी तरह से एक साफ सुथरी फिल्म है. फिल्म बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और साथ ही फिल्म एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया था. वो मैसेज ये था कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में लूजर हो, यानी कि आपको लगता है कि आपसे कोई काम नहीं हो सकता, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तो ये फिल्म आपको उस चीज़ से उभरने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है. और कहीं ना कहीं ये जो फिल्म है ये को आमिर खान की फिल्म 3 Idiots की याद भी जरूर दिलाती है. चलिए अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े कलेक्शंस की. उससे पहले स्क्रीन काउंट्स की बात करें तो फिल्म को इंडिया में टोटल 2000 स्क्रीन्स इंडिया में दिए गए थे. इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 400 यानी कि 400 दोनों को इंक्लूड करके फिल्म को वर्ल्ड वाइड 2400 स्क्रीन्स दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड दिए गए थे. अब बात करते हैं कलेक्शंस की लाइफ टाइम. तो इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन था वो था 153 करोड़ 10 लाख रुपए का, 153 करोड़ 10 लाख का. इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था, ग्रॉस कलेक्शन जिसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है, वो है 182 करोड़ 25 लाख रुपए का, 182 करोड़ 25 लाख का. इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 30 करोड़ 42 लाख 30 करोड़ 42 लाख की कलेक्शन की थी. और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 212 करोड़ 67 लाख रुपीज का. अब आते हैं बजट. तो फिल्म का बजट था 65 करोड़ का, जिसमें से 50 यानी कि 50 करोड़ था प्रोडक्शन कॉस्ट, फिल्म का बनने का कॉस्ट. बाकी का 15 करोड़ था प्रिंट्स और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट यानी कि मार्केटिंग कॉस्ट, प्रमोशन कॉस्ट. अब 65 करोड़ के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 153 करोड़ 10 लाख का. यानी कि इंडिया के नेट के अकॉर्डिंग, पहले हम इंडिया के नेट के अकॉर्डिंग इंडिया के वर्डिट की बात करें तो फिल्म इंडिया में तो सुपर हिट साबित हुई थी. लेकिन अगर हम इंडिया का नेट और इंडिया से बाहर ओवरसीज इन दोनों को इंक्लूड कर दे तब जाके फिल्म को वर्डिट दी गई थी वर्ल्ड वाइड ऑफिशियल ब्लॉकबस्टर की. यानी कि फिल्म छिछोरे इसके जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है वर्ल्ड वाइड वो है ब्लॉकबस्टर की. अब आते हैं गानों पर. तो फिल्म के गानों की एल्बम में टोटल 7 गाने थे और इसके गाने भी हिट साबित हुए थे. अगर गाने के म्यूजिक कंपोजर की बात करूं यानी कि गाने को जो म्यूजिक दिया था वो दिया था प्रीतम चक्रवर्ती जी ने, और गाने को जो लिरिक्स होते हैं यानी कि जो बोल होते हैं वो लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य जी ने. तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. मैं हूं जतिन आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त. अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.